शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से। तंजानिया से भारत जाते हुए इसराइली एक्स टीम मैनेजमेंट का एक बड़ा कार्गो बहरी जहाज अरेबियन सी में ईरानी मिसाइल का निशाना बना है और ब्रॉडकास्टर ने बताया कि इस अटैक के बारे में शिप के मालिक को पहले से खबर थी, लेकिन इसके बावजूद मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि कश्ती का सफर जारी रखा जाए और इसीलिए इसराइली जहाज अरेबियन सी से होता हुआ भारत की तरफ जा रहा था। ये फैसला करने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन फैसले के दौरान ये तय पाया था कि जहाज का सफर जारी रखा जाएगा और बताए गए अटैक की सूरत में भारत पहुंचकर रिपेयर कर लिया जाएगा। इसराइली मिलिट्री इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस हमले से पहले भी इसराइली जहाजों पर 2 ब्लास्ट किए गए थे और वो अब तक किसी ने भी कबूल नहीं किए और अब यह वाकया उस हमले के 1 माह बाद रूनुमा हो चुका है और पहले की तरह अब भी ईरान पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मगर ईरान ने इसकी तरदीद की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बादत अली मेहरान और आप देख रहे हैं नब्ज़े जहान। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप रिसर्च बेस्ड करंट अफेयर्स की तफसीलात चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसराइली अफसरान ईरान पर इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन अब तक ईरान के इन हमलों में मुलव्वस होने के कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ईरान ने इल्जाम से बरी होते हुए कहा है कि खित्ते में इनसिक्योरिटी की असल वजह खुद इसराइल है। इसराइल का ईरान पर इन हमलों के इल्जाम लगाने की एक बड़ी वजह 11 मार्च को इसराइल ने ईरानी बहरी जहाज को शाम में निशाना बनाया था। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ईरानी जहाजों पर जो कि तेल बरदार जहाज है छुप कर हमले कर रहा है और अब ये दोनों मुमालिक एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि 23 मार्च को मेडिट्रेनियन सी में ईरानी कंटेनर पर होने वाले हमले में ईरान इसराइल का हाथ समझता है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल 2019 से ईरानी जहाजों पर हमले की कंपेन चला रहा है और इसी कंपेन में इसराइल ने ईरान के 12 जहाजों को हिट किया। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइल की इस कंपेन का असल मकसद ईरान पर मुआशी दबाव डालना है और इसके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना है। जैसा कि ईरान रेगुलरली सीरिया की रिफाइनरी के लिए मुसलसल खाम तेल भेजता है, इन दोनों मुमालिक का इंटरेस्ट यानी ईरान की तिजारत और सीरिया की रिफाइनरीज पहले ही अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से सेंक्शंस का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में इसराइल ईरान के जहाजों पर छुप कर हमले करके ईरान पर मजीद आलमी दबाव का बाइस बनना चाहता है और इसी दबाव को मजीद बढ़ाने के लिए ईरान के नाकर्दा हमलों में भी ईरान को कसूरवार ठहराया जा रहा है। जैसा कि इसराइल के जहाजों पर 1 माह पहले और आज 26 मार्च को होने वाले हमलों में ईरान पर सारी जिम्मेदारी आयद कर दी गई थी, लेकिन इन इल्जामात के मुतालिक कोई भी एविडेंस फराहम करने में अब तक इसराइल नाकाम रहा है। और नाजरीन, इस सारे मामले मसले और मुहिमे को समझने के लिए चंद लहजे की इस वीडियो को देखिए। असल में इसराइल का मंसूबा क्या है कि वो ईरान के 3 अतराफ से बने हुए नेटवर्क को तोड़कर अपने वजूद को लाहक डर से छुटकारा चाहता है। जैसा कि ईरान ने लबनान, शाम और गजा की तरफ से इसराइल को घेर चुका है और अब इसराइल दुनिया भर में ईरान के खिलाफ कंपेन चला रहा है कि दुनिया को ईरान के मुकाबले एक महाज पर खड़ा हो जाना चाहिए। इस बात को समझने के लिए पिछले दिनों इसराइली वजीर खारजा का जर्मनी में किया गया वो दौरा याद रखें कि उस दौरे के दौरान इसराइली वजीर खारजा ने सारी दुनिया खासकर यूरोपीय ममालिक को ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाने का मशवरा दिया था। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का खुदा हाफिज़ो निगहदार।